दोस्तों आज तक हम सभी ने सुना था सिर्फ और सिर्फ नोकिया के स्मार्टफोन, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा क्योंकि अब लॉन्च हो गया है नोकिया की टीवी। तो क्या है इसके स्पेसिफिकेशन, क्या है प्राइसिंग और कौन कौन से वेरिएंट में लॉन्च किया है नोकिया ने, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, घंटी बजाए, टन टनाटन शुरुआत कर दें वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी कि यहाँ पे जो नोकिया वाले हैं उन्होंने पार्टनरशिप की है, या बोल सकते हो बिजनेस पार्टनरशिप की है फ्लिपकार्ट के साथ, और मस्त एक चकाचक टीवी लॉन्च की है 55 इंच की, और उसके स्पेसिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा कमाल के है। शुरुआत करता हूँ सबसे पहले उसके प्राइसिंग के बारे में, आप सभी को इंटरेस्ट होता है कि टीवी कितने की, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि 42,000 के आसपास आपको 55 इंच की टीवी मिल रही है। लेकिन इस पे धमाकेदार ऑफर भी दिया गया है फ्लिपकार्ट की तरफ से, जो आपको सुनने के बाद, तो मतलब ये वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आपको एंड तक हमारे साथ बने रहना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके स्पेसिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे, इसी के साथ साथ गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट दिया गया है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब, सब कुछ परफेक्टली चलने वाला है इस टीवी में, तो आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसी के साथ साथ जो रिफ्रेश रेट दिया गया है 60 हर्ट्ज का दिया है, जो कि सब टीवी में हमको कॉमन देखने मिलता है। बात करूं टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो यहां पर आपको एंड्रॉइड 9 देखने मिलेगा, जो कि सबसे लेटेस्ट वाला है, बहुत अच्छी बात है उसके लिए। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा इंटरनल स्टोरेज के बारे में और रैम को लेकर, तो यहां पर आपको 2.25 GB का रैम देखने मिलेगा, और साथ ही साथ जो इंटरनल स्टोरेज 16 GB का दिया गया है। बात कर ले टीवी के प्रोसेसर के बारे में, तो यहां पर आपको इस टीवी में क्वाड कोर प्रोसेसर देखने मिलेगा, इसी के साथ ही साथ आपको MEMC का चिप भी लगा, मतलब इस चिप के थ्रू होगा बेसिकली कि अगर कोई आप एक्शन सीन देख रहे हो, या फिर गेमिंग करना चाहते हो, या फिर कोई ग्राफिक का कुछ भी देखना चाहते हो, तो आपको बहुत ही मस्त दिखेगा। स्पेशली आप कोई कार रेसिंग वाला सीन देख रहे हो, यहां जहां पे गाड़ी आ रही है सबसे निकल जा रही है, तो वो ब्लर नहीं होगा इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, या फिर बोल सकते हो इस MEMC चिप के थ्रू। और कनेक्टिविटी को लेकर यहां पे आपको टीवी में वाईफाई देखने मिल जाएगा, इसी के साथ साथ जो ब्लूटूथ आपको टीवी में देखने मिल रहा है वो भी सबसे लेटेस्ट वाला 5.0, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी इसी नोकिया टीवी की। अगला जो स्पेसिफिकेशन, उसके बारे में कमेंट में आप बहुत लोग पूछ रहे हो कि ब्राइटनेस निट्स क्या है, उसके कॉन्ट्रास्ट रेशियो क्या है, तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि जो नोकिया की टीवी है यहां पे आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस देखने मिल जाएगी, और दूसरी तरफ मैं बात करूं यहां के कॉन्ट्रास्ट रेशियो की, तो वहां पे 1200:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिया गया है, मतलब वो एक्सेप्टेबल है। अच्छी बात यह है यहां पे कि यहां पे आपको जो रेशियो दिखने मिल रहा है कॉन्ट्रास्ट रेशियो, वो स्टैटिक दिया गया है, डायनेमिक में बहुत फालतू की होती है, मतलब कुछ भी वैल्यू वो लोग आपको देते हैं, स्पेशली जो 1:1 का जो एक टीवी है। आप कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सी टीवी के बारे में बात करना, जो फालतू मतलब इंफॉर्मेशन दी गई है, तो वो चीज ऐसी यहां पे नहीं है। यहां पे आपको क्लियर कट 1200:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो इस टीवी में देखने मिलेगा। बस इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी दिया जा रहा है, जिसके थ्रू होगा क्या कि आपको जो फोन है उसको आप मिरर कर सकते हो आपके टीवी में, फोन का जो भी इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, सब कुछ आप प्ले कर सकते हो आपके टीवी में, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। तो एक लाइक इसी पे बनता है। और जो अगला पॉइंट है जिसके बारे में काफी दिनों से मतलब चर्चा में थे कि ये सच है या नहीं, या फिर सब खाली बकवास चालू है, तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि भाई वो बात सच थी। और वो बात सच क्या थी कि आपको नोकिया की टीवी में JBL के स्पीकर देखने मिलने वाले, मतलब सोच लो आपको ऑडियो क्वालिटी क्या मिलने वाली, एकदम कड़क। मतलब आज तक बोलते ना कि जितने भी आप स्मार्ट टीवी लो उसमें ऑडियो का प्रॉब्लम हमेशा रहता था, स्पेशली जब आप टीवी देख रहे हो और आपका बोलते ना ये कनेक्टेड है आपका, ये क्या बोलते हैं सेटअप बॉक्स, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे ऑडियो को लेके, क्योंकि ऑडियो आपका सेटअप बॉक्स की वजह से ना बहुत स्लो होता था, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। हो सकता है शायद बाकी लोगों को ऐसा नहीं हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहना है कि ऑडियो काफ़ी कम होता था, लेकिन यहाँ पर आपको नोकिया की टीवी में JBL के स्पीकर मिल रहे, मतलब यहाँ पे धमाका होने वाला है ऑडियो को लेके। और जो साउंड आउटपुट दिया गया है वो 24W का दिया गया है, तो वो कि बहुत अच्छा दिया गया। और आपको टीवी के कॉर्नर में आपको एक ब्रांडिंग भी देखने मिलेगी JBL की, भाई आपके घर में कोई भी आएगा बोले वाह JBL के भाई थिएटर वेटर लगा के रखा है क्या, होम थिएटर वगैरह लगा के रखा है क्या, ऐसा आपको शायद कोई क्वेश्चन कर सकता है अगर उसको ध्यान नहीं होगा कि नोकिया के टीवी में JBL के स्पीकर है। बात कर ले यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी के लिए नोकिया ने क्या किया, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा आपको टीवी में डॉल्बी विजन देखने मिल जाएगा, HDR10 का सपोर्ट है, इसी के साथ साथ कलर गैमेट टेक्नोलॉजी यूज की, जिसके थ्रू आपको जो कलर है एकदम अच्छे और बोलते ना मस्त चकाचक देखने मिलेंगे इसी टीवी में। और इसी के साथ साथ आप सभी लोग पूछ रहे थे कितने बिट का पैनल है, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे आपको 10 बिट का पैनल देखने मिल जाएगा। और एक और नई चीज जो नोकिया लेके आया है इंटेलिजेंट डिमिंग, मतलब मेरे को तो लग रहा है भाई लोकल डिमिंग जैसा सेम फीचर है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, खाली नाम बदल के बोलते हैं ना बेच रहे हैं लोग, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं कि क्या नया है क्या पुराना है, इसमें भी काम वही करेगा, अच्छे डार्क सीन जो होंगे उसमें आपको ये हेल्प करेगा एकदम बोलते ना मस्त एकदम दिखाने के लिए ब्लैक कलर,
बस इतना ही। तो दोस्तों बात करूं यहाँ पे टीवी के बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा उसका जो टेबल टॉप है वो बना हुआ है मेटल से, एल्यूमिनियम से, और जो पूरी की पूरी बॉडी है टीवी की वो बनी हुई है प्लास्टिक से। तो भाई ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आपको जो टीवी का बोलते हैं ना बिल्ड क्वालिटी है वो भी आपको मेटल का मिलेगा, तो मेटल नहीं है। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिए जब भी आप टीवी परचेस कर रहे हो। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो बीजल है, बीजल मतलब ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा मोटे नहीं ज्यादा पतले नहीं। आप ज्यादा उम्मीद मत रखो कि भाई एकदम पतले बीजल आपको देखने मिलेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको इस ढंग का बीजल आपको देखने मिलेगा। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि आपको यहां पर आपको JBL के स्पीकर देखने मिलने वाले, मतलब ऑडियो क्वालिटी तो बहुत अच्छी होने वाली है। इसी के साथ साथ आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट है, प्लस इसी के साथ साथ DTS 2 सराउंड का भी टेक्नोलॉजी इसी में यूज किया है। तो मतलब आपको इस टीवी का जो मेजर हाईलाइट होगा मेरे हिसाब से उसका ऑडियो क्वालिटी होने वाला एकदम मतलब बाप तोड़ू, या बोलते हैं ना जो भी वर्ड बोल दो सब कमेंट में आप लिख सकते हो, मस्त होने वाला एकदम इस टीवी में। और दोस्तों जैसा मैंने बताया कि इसकी प्राइसिंग रखी है 41,999 मतलब 42,000 रुपीज के आसपास आपको टीवी मिलेगी फ्लिपकार्ट पे, ऑनलाइन अवेलेबल होने वाली है और 10 दिसंबर से। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा अगर आप परचेस करते हो ऑनलाइन और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं लेते हो, ध्यान से सुनना, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अगर नहीं लेते हो तो आपको 10% का जो लॉन्चिंग डिस्काउंट है वो भी देखने मिलने वाला, मतलब आपका समझ लो 3-4 हजार रुपए सीधे कम हो जाएंगे और आपका बोलते हैं ना आपको टीवी 38,000 रुपीज समथिंग के आसपास आपको टीवी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे अच्छा डिस्काउंट दिया गया। इसी के साथ साथ उन्होंने एक कंप्लीट प्रोडक्शन का प्लान भी लिया है जहां पे आप 999 मतलब 1000 रुपए में 1 रुपए कम पे करो और आपको कंप्लीट प्रोडक्शन दिया जाएगा आने वाले 2 साल, और मतलब आपको टोटल 3 साल का बेनिफिट मिलेगा अगर आप ये 999 और भी पे करते हो। और पूरी की पूरी जिम्मेदारी होगी यहाँ पे फ्लिपकार्ट की, जो आपको बोलते हैं ना पूरा आपका प्रोडक्ट शिप कराने से लेके आपको सर्विस और एवरीथिंग आपको जो प्रोवाइड होगा वो सब आपको मिलने वाला है फ्लिपकार्ट की तरफ से। नोकिया की सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रांडिंग देखने मिलेगी, इस बात का ध्यान रखे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं समराइज करूँ इस टीवी को तो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी मालूम है, इसकी प्राइसिंग। मतलब आपको 42,000 रुपीज का दे रहा है बट लॉन्चिंग प्राइस आपको 10% तो कम करके दे रहा है, मतलब वहां पे आपका 4,200 रुपए तो ऐसे ही कम हो जाएंगे, मतलब 38,000 रुपीज के आसपास आपको 55 इंच की टीवी मिलेगी। इतने अच्छे पिक्चर क्वालिटी टेक्नोलॉजी के साथ ऑडियो तो तोड़ू है, मतलब उसके कंपेयर में कोई भी बोलते ना मैं टीवी आप ला के खड़ा कर दो इसके सामने वो एकदम बोलते ना चाय कम पानी हो जाएगा, वो उस लेवल का आपको ऑडियो टेक्नोलॉजी देखने मिलेगा। इसी के साथ साथ ब्राइटनेस निट्स भी अच्छी है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी अच्छे है, बिल्ड क्वालिटी और सब कुछ एकदम काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने फ्लिपकार्ट की, आप जाके चेकआउट कीजिए। अगर आपका कोई सवाल या कोई भी सुझाव हो इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे सवाल को जवाब दूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी, फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल सुझाव कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इसी के साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, जो लोग ने सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को, और हमारे हैप्पी गाइड फैमिली और हमारे ये बोलते ना यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए आपको 1 भी रुपए नहीं देने हैं, कंप्लीटली फ्री है। तो फिर भाई फ्री की चीज मिली तो सब्सक्राइब करके ही जाइए, और इसी के साथ साथ घंटी भी बजाइए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वहां पे भी करो, वहां पे भी बहुत सारी अपडेट डालते रहता हूं यार, बिंदास फॉलो करो, वहां पे भी हम फ्री है। बाय बाय।